ये आप इंडिया में कहीं पे भी घूमो ये मोनोग्राम नहीं मिलेगा। ये देखो सिंगल सिंगल किक स्टार्ट हुई है आज की डेट में भी 60 साल पुरानी बाइक सिंगल किक स्टार्ट है। इस टाइप की ब्रेकिंग आपको आज क्या आज से 10-20-30 साल पुरानी बुलेट्स में भी ये चीज नहीं मिलेगी। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग चीज लेके आए हैं जो शायद ही आपको यूट्यूब पे किसी ने दिखाई होगी। वो चीज हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि आप सामने देख सकते हो, रॉयल एनफील्ड। नाम ही काफी है, दुग दुग जिसको लोग बोलते हैं, मतलब इसकी दुग दुग की जो आवाज है ना, लोग उसी को पसंद करते हैं और उसी चीज से ये आज तक चलती हुई आई है। लगभग 1960 के आसपास का मॉडल है, मेड इन इंग्लैंड है सबसे बड़ी चीज। अब आप ये बोलोगे कि यार झूठ बोल रहा होगा, ये तो मेड इन इंग्लैंड है, कोई पुरानी देख लिया इसने। वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि मेड इन इंग्लैंड है या नहीं है। देखो इसका मीटर, देखो मीटर देख सकते हो, लगभग दिख रहा होगा आपको कितना पुराना है। और गौर से देखो, ये इसकी निडल के नीचे लिखा भी हुआ है कि मेड इन इंग्लैंड। तो आप सोच सकते हो कि ये रियली में मेड इन इंग्लैंड है, इसमें झूठ बोलने वाली है या फिर कोई भी क्लिक बिट चीज ऐसी कुछ भी नहीं है। तो हमारे साथ हैं विजय शंकर जी, बाइक के ओनर हैं। एक बार उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कब ली, कैसे कैसे उसको यूज किया, कितने अच्छे से आज तक इन्होंने मेंटेन कर रखा है इसको। तो विजय शंकर जी, आपने बाइक कैसे कैसे ली थी? ये मेरे बॉस हैं, हाँ गोप जी जी, जो सर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जी, उनने मेरे को गिफ्ट दिया है सर। ये लगभग कब दी थी? ये हो गए सर 38 साल हो गए। 38 साल पहले दी थी, मतलब उन्होंने के पास भी इससे भी पहले थी? पहले थी। तो लगभग कितने 40 साल तो आपको हो गए, 15-20 साल उनके पास थी। हो गए तो लगभग 60-62 के आसपास का मॉडल है ये। 62 का मॉडल है साहब, 62 का मॉडल है। और बाइक नंबर भी देख सकते हो, 1974 RJY। आप इस चीज से भी पता लगा सकते हो कि ये मतलब कब की होगी, क्या चीज है। वो सारी चीजें आजकल ऑनलाइन भी मिल जाती है, इतना कोई बड़े इशू नहीं है। ये मेड इन इंग्लैंड है साहब जी, ओरिजिनल गाड़ी है। आज तक कुछ भी चेंज नहीं करा है? नो नो नो, ये डिक्स जो भी डिक्स है ओरिजिनल है। ओके, पीछे वाली डिक्स ओरिजिनल है, इंजन वगैरह सब चीज ओरिजिनल है, कोई नई चीज नहीं साहब। जो वहां से इंग्लैंड से बन के आया है हाँ, वो गाड़ी है। ये जो लाइट्स वगैरह इसमें जो दे रखी हैं, ये भी इसी के साथ, ये भी इसी के साथ हैं। तो देख सकते हो आप कि ये भी इसी के साथ आई है, इंग्लैंड से जब ये बाइक आई थी उसी के साथ आई थी। ये 1 किलोमीटर रेंज है इसकी लाइट की। तो ये अभी काम करती है? हाँ काम करती है, पर इसका कनेक्शन मैंने बंद कर रखा है। ओके, आप एक इंटरेस्टिंग चीज कुछ बता रहे थे हमको, ये क्या थी? ये जैसे आज कोई भी कहेगी ये गाड़ी ओल्ड नहीं है, ओके, ये आप इंडिया में कहीं पे भी घूमो ये मोनोग्राम नहीं मिलेगा। मतलब ये होलोग्राम जो रॉयल एनफील्ड का है, कहीं भी ये रॉयल एनफील्ड का मोनोग्राम नहीं मिलेगा, एक ही है। तो ये एजेंसी में जैसे लेते हैं, कंपनी से पता करते हैं, वहां भी नहीं मिलेगा? नो नो नो, ये चीज देखो ना सब उस समय की चीज है। तो ये देख सकते हो आपकी ये चीज ना, आप कंपनी में भी पता करते हो तो भी आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा साहब ये चीज। तो विजय शंकर जी के साथ एक इंसिडेंट हुआ था काफी टाइम पहले, जो ये हमको भी बता रहे थे कि एक फॉरनर का कोई इंसिडेंट था। तो एक बार वो चीज जो आप बता रहे थे उसके बारे में बताओ। वो साहब एक बार मेरे घर के बाहर गाड़ी पड़ी थी जी, वो इंग्लैंड का एक कपल आया था जी। वो हमारे इधर क्या है, एक टूरिस्ट डिपार्टमेंट के काफी होटल वगैरह है। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ कि हम हैं उदयपुर में, तो उदयपुर वैसे ही टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट वगैरह यहाँ घूमते रहते हैं, तो उसी से रिलेटेड है ये चीज। जी तो वो कपल आया था जी, तो कपल ने फोटोग्राफी किया इसका। ओके, फिर उनने देख लिया कि अपने कंट्री की गाड़ी है, उन्होंने यहाँ पे मेड इंग्लैंड लिखा हुआ देख लिया। बिल्कुल, उन्होंने देख लिया पार्ट्स पे, डिक्स पे भी मेड इन इंग्लैंड है। ओके, इधर भी मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है। ओके, इंजन वगैरह सारा ओरिजिनल है। ठीक है, तो उन्होंने फोटोग्राफी करके मेरे को बुलाया जी कि इसका कॉस्ट क्या है, आप कॉस्ट मांगो। मैंने कहा भी मेरे को देना नहीं, गिफ्ट आइटम है मेरा। तो उन्होंने कहा यार नहीं हमको चाहिए जी। या फिर हमको इंडिया घूमे उतना किराए पे दे दो। मैंने कहा नो, देने की चीज नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये मोनोग्राम चाहिए हमको, ये देखो। मैंने कहा ये ऐसा क्या चीज है? कहना ये चीज मिलता नहीं, अब ये ओरिजिनल गाड़ी है। तो ये चीज देख सकते हो कि लोग आज भी पागल है इस चीज को। इस चीज के मेरे को बोला 5,000 रुपए दूंगा आपको। हाँ, सिंगल मोनोग्राम का, सिंगल का। Okay, एक सिंगल ये 5,000 रुपए के लिए था या डॉलर के लिए बोला था? नहीं 5,000 के बोला। हाँ, डॉलर बोला होगा एक। हाँ, तो मैंने कहा नो नो नो, ये तो शान है इस गाड़ी की। उसके बाद तो इसमें कुछ था ही नहीं। नहीं नहीं भाई, मेन चीज तो इसी से चलती है ना। आज चीज ये चीज कहीं नहीं मिलेगी सर। आज कोई इंडिया में कोई कहता है, मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं, उदयपुर संभाग में ओके
ये गाड़ी कहीं नहीं है, ये प्रथम नंबर है उदयपुर संभाग जिसमें 5 स्टेट आते हैं, 5 जिले आते हैं, डूंगरपुर, मांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, राजनगर, मतलब इतने आसपास के एरिया में कोई बाइक ये गाड़ी प्रथम गाड़ी है साहब। ये देख सकते हो कि स्टार्ट ना आजकल क्या है, बाइक यहाँ से स्टार्ट होती है, बजाय यहाँ से स्टार्ट होने के इसकी की लगती है, यहाँ पे देखो की लगी भी हुई है, ये चाबी ये यहाँ से स्टार्ट होती है इस तरीके से, ये लो ये ऑन हो गई, ये ऑन हो गई। स्टार्ट भी करके दिखा देते हैं एक बार आपको, यहाँ पे कहोगे कि यार सिर्फ पुरानी गाड़ी दिखा रहे हो, उसको दिखा तो रहे नहीं हो कि चलती भी है नहीं। आप ये डीकंप्रेसर एक मिनट में करता हूँ हल्का सा, बस अब वापस इसको ऊपर लेना पड़ेगा सर। हाँ ऊपर ले लो, ये देखो सिंगल सिंगल किक स्टार्ट हुई है, आज की डेट में भी 60 साल पुरानी बाइक सिंगल किक स्टार्ट है, मैं इसको चालू हालत में है, ऐसा नहीं है कि भाई दिखा दिया सिर्फ लोगों को बता दिया कहीं से उठा लिया, ऐसा नहीं, आज भी चलती है। नहीं सर है ना, इसको हाथ से स्टार्ट करता था, अब देख लो सर इसको हाथ से स्टार्ट कर देते थे। साउंड देख सकते हो, साउंड सुन सकते हो आप इसकी, कितनी प्यारी साउंड आ रही है, सिंगल सिंगल साउंड आराम से सुन सकते हो आप। पीछे से देख सकते हो कि कैसी है, इसमें कुछ ये लगा हुआ है, क्रोम पार्ट है, ये भी मेड इन इंग्लैंड है, सब कुछ चीज है जो मेड इन इंग्लैंड है, इंडिया में आज तक इसका मतलब कुछ भी चीज इसकी चेंज नहीं कराई है, आके जैसी थी एज इट इज है। पीछे नंबर प्लेट है, नंबर लिखा हुआ है 1974। इधर साइड प्रोफाइल की तरफ देख सकते हो, साइड में बुलेट 350cc का लोगो भी लगा हुआ है। इधर साइड की तरफ आते हो, इस तरीके का इंजन मिलता था उस टाइम। टैंक देख सकते हो आप, ये टैंक देखो साहब, थोड़ा पेंट उड़ रहा है पर बाकी चीज इतनी अच्छी है कि शायद ही आपको कहीं देखने को मिले, तो इस चीज को अच्छे से पूरी वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, ध्यान रखना है। ये देख सकते हो इसमें ये मीटर है, इस सुई से मतलब कनेक्ट करके वो सुई मिलानी पड़ती है जब इसको स्टार्ट करते हैं, उससे पहले स्टार्ट होती नहीं है। फ्रंट से एक बार लुक दिखा दो कि इस तरीके का है, लाइट भी चालू है सर, लाइट भी यहाँ से स्टार्ट होती है, लाइट भी देख सकते हो आप, सब कुछ चीज स्टार्ट है, ये लाइट ऑन हो गई अपनी। एक्चुअली क्या था कि जो पहली बाइक थी ना बुलेट की, वो 1901 में इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था इसका, लेकिन 1955 के आसपास जो हमारी इंग्लैंड की कंपनी थी उसका टाई अप हुआ था मद्रास कंपनी से, तो उसके थ्रू हमारी रॉयल एनफील्ड है जो कि वो इंडिया आई थी। ये देखो इसकी ब्रेकिंग देख सकते हो आप, इस टाइप की ब्रेकिंग आपको आज क्या आज से 10-20-30 साल पुरानी बुलेट्स में भी ये चीज नहीं मिलेगी, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी पुरानी होगी। पीछे भी दिखा देता हूँ एक बार, ये ड्रम है हाँ ड्रम ब्रेक है, वो ब्रेक ही बोल रहा हूँ। देखो ये पीछे भी देख सकते हो, आपको अलग से वायर आ रहा है इसमें और ये चीज दे रखी किलोमीटर है, मतलब आप देख सकते हो कि ये चीज आपने कभी शायद कभी किसी बाइक में इस तरीके की ब्रेक्स वगैरह देखी होंगी। तो ये देखिए आपने बुलेट की सारी इन्फॉर्मेशन मेड इन इंग्लैंड की, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहिए।